Hello student, today we are going to start chapter number 6, that is correspondence with members. Members means shareholders. Okay, so correspondence means letter writing. See the first question. Explain the precautions to be taken by the secretary while corresponding with members. Or explain the points to be considered by the secretary while corresponding with members. म्हणजे जेव्हा सेक्रेटरी मेंबर्स बरोबर करस्पॉन्डन्स करतो, लेटर मेंबर्सला वेगवेगळ्या कारणांनी लेटर्स लिहितो, तेव्हा लेटर लिहत असताना सेक्रेटरीने कोणते पॉइंट लक्षात घेतले पाहिजेत, कोणत्या प्रकारची प्रिकॉशन्स घेतली पाहिजे, कोणत्या प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे हे आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, तो यहां पे हमें क्या एक्सप्लेन करना है, जो कंपनी का सेक्रेटरी रहता है वो अलग अलग रीजन के कारण मेंबर्स को मतलब शेयर होल्डर्स को लेटर लिखता है, उसे ही कहा जाता है करस्पॉन्डिंग. तो जब लेटर लिखता है तो लेटर लिखते समय उसे कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करनी है, मतलब लेटर लिखते समय क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है. सी द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विथ मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेशन. ओके, तो कंपनी का जो सेक्रेटरी रहेगा वो अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग इवेंट पे अलग अलग तरीके के लेटर भेजता है. किसे भेजेगा, कंपनी के जो मेंबर्स है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, उन्हें भेजा जाते हैं. व्हाइल राइटिंग वेरियस लेटर द सेक्रेटरी शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स, प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. आणि जेव्हा सेक्रेटरी अशा प्रकारचे लेटर्स मेंबर्सला लिहितो, शेअर होल्डर्सला लिहितो, तेव्हा लेटर लिहत असताना जी इन्फॉर्मेशन दिली जाणार आहे ती करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिली गेली पाहिजे, ती इन्फॉर्मेशन कंप्लीट असली पाहिजे, आणि त्या लेटर मधून जे आपले मेंबर्स आहेत त्यांना रिस्पेक्ट, जो काही रिस्पेक्ट आहे, जो काही आदर आहे, तो रिप्रेझेंट झाला पाहिजे. ओके, तो यहां पे हमें याद रखना है, एज अ सेक्रेटरी जब आप मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को लेटर लिखते हो तो लेटर लिखते समय जो भी इंफॉर्मेशन आप लेटर में दोगे वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, और आप जो लेटर में लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे उस लैंग्वेज से जो मेंबर है या शेयर होल्डर है उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए. तो इस तरह का लेटर राइटिंग आपका होना चाहिए. Thus, writing letter to the member is a challenging task and it requires skill, knowledge and technique. म्हणजे लेटर जे लिहिलं जातं, लेटर लिहिणे ही एक प्रकारचं काय आहे, त्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारची स्किल लागते, वेगळ्या प्रकारचं नॉलेज लागतं, हे वेगळ्या प्रकारचे टेक्निक आपल्याकडे असली पाहिजे, आणि म्हणून ते एक चॅलेंजिंग टास्क आहे. ओके, मतलब कोई भी आएगा किसी भी तरह से लेटर लिखेगा नहीं चलेगा, क्योंकि मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स रहते हैं. अगर उन्हें लेटर लिखना है तो उनका जो उन्हें जो भी लेटर लिखा जाएगा वो प्रॉपर होना चाहिए, उसका लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए. तो लेटर राइटिंग एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास लेटर राइटिंग का नॉलेज होना चाहिए और उसका प्रॉपर टेक्निक हमें पता होना चाहिए, तो ही हमारा जो लेटर है वो इफेक्टिव हो सकता है. सी फर्स्ट पॉइंट टू बी कंसीडर दैट इज करेक्ट इंफॉर्मेशन. द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स. ओके, मतलब जब भी सेक्रेटरी लेटर लिखेगा और लेटर में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो सेक्रेटरी को ये देखना है जो भी इंफॉर्मेशन लेटर में लिखी गई है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन अप टू डेट है, मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, और वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए.
मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, किसी भी गलत इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन लेटर में नहीं होनी चाहिए। अलग लक्षात म्हणजे सेक्रेटरी जी का इन्फॉर्मेशन लेटर मध्ये देणार आहे कंपनीच्या बाबतीमध्ये ती इन्फॉर्मेशन करेक्ट असली पाहिजे, अप टू डेट असली पाहिजे आणि त्या इन्फॉर्मेशन मध्ये कोणत्याही प्रकारे चुकीची माहिती असता कामा नये। नेक्स्ट, ड्यू केअर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग फॅक्ट्स अँड फिगर। ओके, म्हणजे जेव्हा सेक्रेटरी कोणत्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन देईल आणि त्यामध्ये समजा फॅक्ट्स अँड फिगर्स असतील, फिगर्स मीन्स नंबर्स, तर ते नंबर लिहत असताना किंवा ते नंबर देत असताना प्रॉपर केअर घेतली पाहिजे, कारण की जर नंबर मध्ये एक जरी झिरो कमी जास्त झाला, एक जरी अंक कमी जास्त झाला तरी ती अमाऊंट चेंज होते, त्यामुळे जेव्हा तुम्ही नंबर्स मध्ये डेटा देत असतील तर ते लिहत असताना त्यामध्ये प्रॉपर केअर घेतली गेली पाहिजे। ओके, तो कंपनी का बहुत सारा डेटा नंबर में भी हो सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हमारे कंपनी का सेल कितना हुआ वो अगर हमें मेंबर्स को बताना है, तो फॉर एग्जाम्पल सेल हुआ है 1 करोड़ का, तो जब हम 1 करोड़ लिखेंगे तब उसके ऊपर कितने जीरो है वो हमें फिर से चेक करने हैं, क्योंकि एक भी जीरो कम या ज्यादा हो गया तो वहां पे अमाउंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो नंबर लिखते समय गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी तरह के फिगर्स मतलब नंबर्स अगर लेटर्स में लिखे जाएंगे तो वो लिखते समय प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम लेटर में देंगे वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। सेकंड इज लूसिड लैंग्वेज। द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल व्हाइल राइटिंग लेटर टू द मेंबर्स। सी, जब भी सेक्रेटरी लेटर लिखेगा तो लेटर लिखते समय उसे जो भी वर्ड इस्तेमाल करने हैं या जो भी लैंग्वेज या जो भी सेंटेंस लेटर में वो इस्तेमाल करेगा वो सेंटेंस या वो लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सिंपल मतलब ही लूसिड कहा जाए, सिंपल मतलब ही क्या, लूसिड मतलब हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसको ये कंसीडर करना है कि यहाँ पे जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। उसे किसके बारे में सोचना है, जो कम पढ़े लिखे है उसके बारे में सोच के उस तरह से लेटर का लैंग्वेज होना चाहिए, ताकि सभी मेंबर्स को, सभी शेयर होल्डर्स को जो भी लिखा है वो तुरंत समझ में आ जाए। अलक्षात म्हणजे लेटर मध्ये जी काही लैंग्वेज लिखी जाईल ती सिंपल असली पाहिजे, समजण्यासाठी इजी असली पाहिजे, त्यालाच लुसिड लैंग्वेज असं म्हटलं जातं। टेक्निकल वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेन्सेस शुड बी अवॉइडेड इन लेटर, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे टेक्निकल वर्ड्स लेटर मध्ये वापरायचे नाही, शक्यतो वापरायचे नाही, पॉसिबल आहे त्या ठिकाणी टेक्निकल वर्ड्स काय करायचे, अवॉइड करायचे। आणि लॉन्ग सेंटेन्स न वापरता त्या सेंटेन्स काय असल्या पाहिजेत, शॉर्ट असल्या पाहिजेत, लेटर देखील काय असलं पाहिजे, शॉर्ट असलं पाहिजे। जर तुम्ही भरपूर पानाचं लेटर लिहिलं कोणी ते वाचण्यासाठी जाणार नाही, सर्वांना वाचण्याचा कंटाळा येणार आहे, त्यामुळे लेटर शॉर्ट असलं पाहिजे, टू द पॉइंट असलं पाहिजे आणि त्यामध्ये टेक्निकल वर्ड्स कमी असले पाहिजेत आणि शक्यतो टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड केले पाहिजेत, म्हणजे वापरण्याचं टाळलं पाहिजे। ओके, तो जो भी हम लेटर लिखेंगे, लेटर लिखते समय जो भी हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे हमें ये देखना है कि वहां पे सिंपल वर्ड इस्तेमाल करने हैं। टेक्निकल वर्ड अगर रहेंगे तो वो वर्ड्स को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड सभी मेंबर्स या सभी शेयर होल्डर को पता नहीं चलेंगे, और अगर उनको समझ में नहीं आएंगे तो लेटर लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि लेटर क्यों लिखना है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन उन लोगों को बतानी है, और बतानी है इसका मतलब उनको समझ में आना चाहिए। अगर उनको पढ़ के समझ में नहीं आएगा तो उस लेटर का कोई मतलब नहीं रहेगा, और इसीलिए लेटर का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट मींस क्विक रिस्पॉन्स। द सेक्रेटरी मस्ट प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाइज टू द लेटर रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स। एनी क्वेश्चन और क्वेरी रेज्ड बाय द सेक्रेटरी दैट इज मेंबर
must be promptly replied by the secretary. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. Okay, बघा म्हणजे एखाद्या मेंबरनी किंवा एखाद्या शेअरहोल्डरनी कोणत्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन समजा मागितली असेल तर ती इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली क्विकली दिली गेली पाहिजे. प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मीन्स क्विक रिस्पॉन्स, पटकन त्याला रिस्पॉन्स दिला गेला पाहिजे. जर एखाद्या मेंबरनी एखाद्या शेअरहोल्डरनी कोणत्याही प्रकारचा क्वेश्चन कंपनीबाबत केला असेल, कोणत्याही प्रकारची क्वेरी रेज केली असेल, कोणत्याही प्रकारची कंप्लेंट रेज केली असेल, तर त्याला प्रॉपर रिस्पॉन्स दिला गेला पाहिजे. त्यामध्ये डिले करता कामा नाही, डिले म्हणजे उशीर, कोणत्याही प्रकारचा उशीर करता कामा नाही. तर ही सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी असणार आहे की जर मेंबरला कोणती माहिती पाहिजे असेल, मेंबरला कोणत्याही प्रकारची जर मेंबरनी क्वेरी रेज केली असेल, मेंबरनी कोणत्याही प्रकारची कंप्लेंट केली असेल, तर त्याला प्रॉपर रिस्पॉन्स हा दिला पाहिजे आणि तो रिस्पॉन्स क्विकली गेला पाहिजे, त्यामध्ये उशीर करता कामा नाही. ओके, तो हमें याद रखना है कि अगर मेंबर ने किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन कंपनी से मांगा है तो उन्हें वो इन्फॉर्मेशन क्विकली देनी चाहिए, प्रॉम्प्टली देनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए. अगर मेंबर ने किसी भी तरह का क्वेश्चन रेज किया है, किसी भी तरह की क्वेरी रेज की है या किसी भी तरह का कंप्लेंट आया है तो उसके लिए भी सेक्रेटरी तुरंत ही रिस्पॉन्स देगा, उनको रिप्लाई देगा. उसमें किसी भी तरह का डिले नहीं करना. डिले करना मतलब देर लगाना, मतलब आज अगर इन्फॉर्मेशन मांगी है हाँ कि हम रिप्लाई देंगे 15 दिन, 1 महीना, इतना टाइम नहीं लगाना है. तो जितना पॉसिबल है उतना जल्दी रिस्पॉन्स मेंबर्स को देना है. फोर्थ वन इज सीक्रेसी. द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स. द सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली एन्सर सम लेटर्स विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. हमें पता है सेक्रेटरी को क्या कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ इन्फॉर्मेशन. मतलब सेक्रेटरी के पास कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेंसिटिव रहती है. म्हणजे काही इन्फॉर्मेशन काय असते, सेंसिटिव असते, म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन सिक्रेट ठेवावी लागते, ती माहिती कोणालाही देता कामा नाही. इट मीन्स सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज सिक्रेट इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन. डिस्क्लोज मीन्स टू ओपन करना. डिस्क्लोजचा अर्थ काय होतो, टू ओपन करणे किंवा कोणाला सांगणे. म्हणजे सेक्रेटरीने कंपनीची जी सिक्रेट इन्फॉर्मेशन आहे, सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आहे, जी काही महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आहे, ते दुसऱ्या कोणालाही सांगता कामा नाही. अगर मेंबरने भी उस तरह का इन्फॉर्मेशन मांगा आहे तो भी सेक्रेटरी उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. मतलब उनका जो डिमांड है कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है तो सेक्रेटरी उस लेटर को टैक्टफुली रिप्लाई देना चाहिए. मतलब अभी ना कहना है, लेकिन ना कहते हुए भी इस तरह से ना कहना है कि मेंबर को किसी भी तरह का बुरा ना लगे. म्हणजे जर एखाद्या मेंबर ने आपल्या कंपनीकडे महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन मागितली आणि ती इन्फॉर्मेशन सिक्रेट असेल आणि ती आपल्याला त्या मेंबरला द्यायची नसेल, मग तरी त्याला रिप्लाय दिला पाहिजे. ते इन्फॉर्मेशन न देता त्याला रिप्लाय दिला पाहिजे आणि इन्फॉर्मेशन त्यांना मिळू शकत नाही हे टॅक्टफुली सांगितलं पाहिजे, विचार करून त्यांना सांगितलं पाहिजे, अशा रीतीने त्यांना सांगितलं पाहिजे, जेणेकरून जे मेंबर्स आहे किंवा जो शेअरहोल्डर आहे त्याला कोणत्याही प्रकारचा राग किंवा कोणत्याही प्रकारे त्याचा अपमान होणार नाही याची काळजी सेक्रेटरीनी घेतली पाहिजे. ओके, तर सेक्रेटरी को यहाँ पे याद रखना है, कंपनी का किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी भी मेंबर के पास या किसी भी थर्ड पार्टी के पास ओपन नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है. फिफ्थ वन, पोलाइटनेस मींस कर्टसी. अ कर्टियस लेटर शोज सिंपथी, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. पोलाइटनेस मींस यूज ऑफ कर्टियस लैंग्वेज. अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली. Rude language should be strictly avoided while corresponding with members. Okay, तो सेक्रेटरी जो भी लेटर लिखेगा मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को, उस लेटर में जो भी लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए.
कर्शियस होनी चाहिए, मतलब उस लैंग्वेज के थ्रू मेंबर के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक आदर निर्माण होना चाहिए। तो पढ़ते समय मेंबर्स को भी अच्छा लगना चाहिए। किसी भी तरह से अगर किसी मेंबर्स ने कंप्लेंट भी किया तो भी उसको रिप्लाई देते समय किसी भी तरह रूड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है। मतलब लेटर में जो भी लैंग्वेज रहेगी वो पोलाइट होनी चाहिए, कर्शियस लैंग्वेज वहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए। लक्षात, म्हणजे लेटर मध्ये जी काही लैंग्वेज आपण वापरणार त्या लैंग्वेज मधून जे आपले मेंबर्स असतील, जे आपले शेअर होल्डर्स असतील, त्यांच्या प्रति रिस्पेक्ट निर्माण झाला पाहिजे। ती लैंग्वेज वाचल्यानंतर, ते लेटर वाचल्यानंतर कंपनी बद्दल मेंबरच्या मनामध्ये एक चांगली भावना निर्माण झाली पाहिजे। अशा प्रकारची पोलाइट लैंग्वेज आपण लेटर मध्ये वापरली पाहिजे। जर एखादी कंप्लेंट जरी असेल तरी त्या कंप्लेंटला लेटर देत असताना देखील पोलाइट लैंग्वेजचा वापर केला पाहिजे। कोणत्याही प्रकारे रूड लैंग्वेज म्हणजे असभ्य लैंग्वेजचा वापर लेटर मध्ये करता कामा नये। आणि जेव्हा आपण चांगल्या लैंग्वेजचा वापर त्या लेटर मध्ये करणार तेव्हा मेंबरला आपल्या कंपनी बद्दल एक आणखी चांगली भावना निर्माण व्हायला मदत होते। 6-1 इज लीगल मॅटर। द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरीली फॉलो रिलेव्हंट प्रोव्हिजन ऑफ द कंपनी ऍक्ट 2013 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट अँड अदर रिलेव्हंट लॉ वाईल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स वाईल ड्राफ्टिंग द लेटर्स। इफ नेसेसरी सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विथ लीगल एडवाइजर ऑन सर्टेन मैटर्स। मतलब जब भी सेक्रेटरी मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को लेटर लिखेगा, लेटर लिखते समय उसे कंपनी एक्ट 2013 के जो भी प्रोविजंस है उनको भी कंसीडर करना है। उन प्रोविजन को इस्तेमाल करके या उस प्रोविजन में लेटर के बारे में क्या दिया है, मतलब मेंबर्स को किस तरह का इंफॉर्मेशन देना चाहिए, किस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, उसके जो भी प्रोविजन है उसके प्रोविजन के आधार पे सेक्रेटरी मेंबर्स को लेटर लिखेगा। और अगर जरूरत पड़े तो कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है उनकी मदद लेनी चाहिए। कुछ मैटर ऐसे हो सकते हैं कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मेंबर्स को तो किस तरह से देनी चाहिए। अगर सेक्रेटरी को समझ में नहीं आ रहा है तो जो लीगल एडवाइजर रहेंगे, एडवोकेट्स रहेंगे, उनकी मदद लेके उस तरह से हम मेंबर्स को रिप्लाई दे सकते हैं या उनको लेटर लिख सकते हैं। हाँ लक्षात, म्हणजे जेव्हा सेक्रेटरी मेंबर्स साठी लेटर लिहिणार, शेअर होल्डर्सला लेटर लिहिणार, ते लेटर लिहत असताना कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये कोणत्या प्रोव्हिजन्स आहेत, जे रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स आहेत, त्याचा विचार करून लेटर लिहिलं पाहिजे। मग त्या प्रोव्हिजन्स मध्ये सांगितलेलं आहे की कोणत्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपण मेंबरला दिली पाहिजे, कोणत्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन दिली जाऊ नये, कोणकोणत्या प्रकारे आपण लेटर लिहिले पाहिजेत, हे सर्व प्रोव्हिजन जे आहेत त्या कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये दिलेले आहेत। मग त्याचा विचार करून लेटर केलं पाहिजे। आणि जर गरज असेल काही मॅटरमध्ये तर जे लीगल ऍडवायझर असतील, ऍडव्होकेट असतील, त्यांच्या बरोबर चर्चा करून कशा प्रकारे लेटर लिहिलं पाहिजे याचा विचार सेक्रेटरीने केलं पाहिजे। 7 कन्सिडरेशन। द रायटर शुड ड्यू द इम्पॉर्टन्स अँड कन्सिडरेशन टू द रीडर अँड कन्सिडर द प्रॉब्लेम ऑफ द मेंबर। मतलब जो सेक्रेटरी है जब लेटर लिखेगा, लेटर लिखते समय उससे मेंबर को कंसीडर करना है। कंसीडर करना मतलब उसकी तरफ ध्यान देना है कि मैं किसको लेटर लिख रहा हूँ, बराबर है। उसको, उसने अगर किसी भी तरह का क्वेरी रेज किया है, कंप्लेंट रेज किया है, तो उसको हमें कंसीडर करके उस तरह से उसे रिप्लाई देना है। वाइल सेंडिंग निगेटिव रिप्लाई ही शुड ड्राफ्ट दीज लेटर्स मोर केयरफुली सो दैट मेंबर शुड नॉट बी हर्ट। आणि जर आपण मेंबर्सला रिप्लाय देणार असतील, जर त्यांनी कंप्लेंट केलेली आहे किंवा क्वेरी दिलेली आहे किंवा एखादा क्वेरी रेज केलेली आहे, क्वेश्चन रेज केलेला आहे, आणि आपण जर त्याला निगेटिव्ह रिप्लाय देणार असतील, तर निगेटिव्ह रिप्लाय देत असताना जास्त केअरफुल असलं पाहिजे। कारण की निगेटिव्ह रिप्लाय दिल्यानंतर कदाचित मेंबरला राग येऊ शकतो, त्याला वाईट वाटू शकतं, म्हणून तो रिप्लाय देताना त्यामधली जी लँग्वेज आहे ती अशी असली पाहिजे जेणेकरून जो मेंबर आहे, जो शेअर होल्डर आहे, त्याला कोणत्याही प्रकारचा राग येणार नाही, त्याला कोणत्याही प्रकारचा अपमान झाल्याचं वाटणार नाही। यहाँ पे हमें याद रखना है, जब हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, बराबर है, तो लेटर लिखते समय
उस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर रहेगा तो मेंबर को बुरा लगने का सवाल नहीं। लेकिन जब हम निगेटिव रिप्लाई देते हैं, कुछ चीज ऐसी रहेगी उसका रिप्लाई हमें निगेटिव देना पड़ेगा मेंबर्स को, तो अगर हम उसको निगेटिव रिप्लाई देते हैं तब निगेटिव रिप्लाई देते समय हमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव रिप्लाई के कारण शायद मेंबर्स को खराब लग सकता है, मेंबर को दुख हो सकता है। और इसीलिए उसका जो लैंग्वेज है लेटर में, जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो प्रॉपर लैंग्वेज वहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए। सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील दैट मैनेजमेंट होनेस्टली रिग्रेट रिफ्यूजल। और सेक्रेटरी उस तरह से लैंग्वेज वहां पे इस्तेमाल करेगा कि मेंबर्स को वो पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कि उन्होंने अगर वो रिफ्यूज किया है, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो सच में उसका कुछ तो भी प्रॉपर रीजन है और इसीलिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। म्हणजे जर आपण त्याला निगेटिव रिप्लाय दिला किंवा एखादी माहिती आपण त्याला देण्याचं नाकारलं, तरी ते त्याबाबत आपण जेव्हा रिप्लाय देणार तो अशा प्रकारे दिला पाहिजे की ते लेटर वाचल्यानंतर त्या मेंबर्सला कंपनीबद्दल असं वाटलं पाहिजे की हा, ही इन्फॉर्मेशन खरंच कंपनी आपल्याला देऊ शकत नाही, त्याचं काहीतरी जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामुळे कंपनी ही इन्फॉर्मेशन देऊ शकत नाही, अशा प्रकारची चांगली भावना त्या मेंबरच्या मनामध्ये निर्माण झाली पाहिजे। म्हणजे अशा प्रकारची लँग्वेज त्या लेटरमध्ये वापरली गेली पाहिजे। नेक्स्ट वन इज इमेज ऑफ द कंपनी। द सेक्रेटरी शुड ट्राय टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एव्हरी सिच्युएशन। म्हणजे लेटर लिहित असताना आपली जी कंपनी आहे त्या कंपनीची इमेज कशा प्रकारे चांगली रिप्रेझेंट होईल याचा विचार सेक्रेटरीनी केला पाहिजे। ओके, क्योंकि हम जब लेटर लिखेंगे शेयर होल्डर को, मेंबर्स को, उनकी ही कंपनी है, वो ही ओनर है, लेकिन लेटर लिखने के बाद उन्हें मैनेजमेंट के बारे में अच्छी चीज पता चलनी चाहिए। लेटर पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमारे कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उस तरह का फीलिंग जो हमारे मेंबर्स है, हमारे जो शेयर होल्डर्स है, उनके मन में तैयार होनी चाहिए। व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर सेक्रेटरी हैज टू ट्राई हिज बेस्ट टू रिमूव देयर डाउट्स, क्वेरीज एंड डिफिकल्टीज इन पोलाइट एंड कर्शियस मैनर। और लेटर लिखते समय जब भी लेटर लिखा जाएगा, शेयर होल्डर का या मेंबर्स का जो भी क्वेरी रहेगा, मेंबर का जिस किसी भी तरह का कंप्लेंट रहेगा, किसी भी तरह का डिफिकल्टी रहेगा, किसी भी तरह का डाउट रहेगा, वो सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी से कोशिश करनी चाहिए। अलक्षात म्हणजे जर मेंबरची कोणत्याही प्रकारची क्वेरी असेल, कोणत्याही प्रकारचं कंप्लेंट असेल, कोणत्याही प्रकारची डिफिकल्टी असेल, डाउट असेल, तर ती सॉल्व करण्याचा प्रयत्न त्या लेटरमध्ये दिसला पाहिजे। म्हणजे खरंच की आपली कंपनी मेंबर किंवा शेअर होल्डरचे जे प्रश्न आहेत ते सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करते असं ते लेटर वाचल्यानंतर त्या मेंबर्सला वाटलं पाहिजे। तर अशा प्रकारे विविध प्रकारचे जे पॉइंट आहेत ते सेक्रेटरीने काय केले पाहिजेत, कन्सिडर केले पाहिजेत कोणा लेटर लिहत असताना। ओके, तो सेक्रेटरी जब भी मेंबर्स को या शेअर होल्डर्स को लेटर लिखेगा, वो लेटर लिखते समय सेक्रेटरी ये सब पॉइंट कन्सिडर करेगा।